तेजस भाई, फर्स्टली वेलकम टू वायरल बॉलीवुड। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ यार। लोगों को लगता है मेरा चैनल है, अबे आज खुलासा कर दे। भक्तों को लगता है मेरा चैनल है। अरे भक्तों, मुझसे नफरत क्यों करते हो यार? मेरी जान, नफरतों में जानवरों का भी बंटवारा हो गया भाई। गाय हिंदू और बकरा मुसलमान हो गया। आज उसी टॉपिक पे बात करने आए एजाज भाई। हाल ही में एक ट्रेलर आया है मुल्क, वो ट्रेलर आपने देखा तो क्या रिएक्शन? मुझे अनुभव सिन्हा की बातें बहुत अच्छी लगी यार, बहुत अच्छी स्पीच दी उन्होंने, मुझे अच्छा लगा यार। आई लव यू सर, यू आर गुड। At least you have the balls to talk honest, you know, like very honest, seriously. वही जानना चाहते थे कि क्या आपको ट्रेलर देखने के बाद क्या क्या महसूस हुआ, like क्या दिमाग में आया पहले ट्रेलर? मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हम कोई भी फिल्म देखने के लिए, यार एक डायरेक्टर है वो अपनी एक बात कहना चाहता है, हम हर चीज को मजहब से क्यों तोल देते हैं यार? मुझे ये बताओ, वो अपनी फिल्म में दिखाना चाहता है कि हर मुसलमान वैसे नहीं होता, जो सच भी है। अच्छा एक बात बताओ, मिसाइल मैन का नाम सुना है? सुना है। कौन थे? एपीजे कलाम। जी जी। कौन थे? मुस्लिम। तो फिर अशफाकुल्ला खान कौन थे? मुस्लिम। तो फिर मौलाना आजाद कौन थे? मुस्लिम। तो यार उनसे कंपेयर करो यार, लादेन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और ना ही ऐसे लोग जो मजहब के नाम पे दहशत फैला रहे हैं वो मुसलमान नहीं है। हमारे मजहब में साफ साफ लिखा है कि जिस राह पे बेगुनाह लोगों की लाशें बिछी हो, वो और चाहे जो भी हो, वो अल्लाह की राह नहीं है। और उसी तरह आपके मजहब में भी लिखा है कि किसी बेगुनाह को मार दिया गया तो आपको स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। तो यारो ये एक बहुत बड़ा गेम है जो बस खेला जा रहा है और लोग इसमें खेल रहे हैं, और सोशल मीडिया के वजह से ये बड़ा हो गया है यार। ये नफरत फैलाना बंद करो, अच्छी चीज़ें। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मेरे साथ में 5 लोग काम करते हैं जो मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड है, जब मैं सो जाता हूँ तो जो मेरी हिफाजत करते हैं, उसका नाम नायडू है और वो हिंदू है और वो मेरा भाई है। तो यार ये कहां से आ गया भाई? मैं सिर्फ उन लोगों के खिलाफ हूं जो ये हिंदू मुस्लिम ये गाय और बकरा करवा रहे, वो चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, एक्टर हो, क्रिकेटर हो, चाहे जो भी हो। यार ये कब बंद होगा हमारे देश से? और अब मैंने तो ठान ली है कि मैं तो भाई ये हिंदू मुसलमान खेलना बंद कर रहा हूं, और कर दिया हूं, बहुत टाइम हो गया है और कभी खेला भी नहीं है मैं। पर हाँ, ये आप लोग जो कर रहे हो ना, इससे आने वाली जो जनरेशन है ना, उसका बहुत खराब होगा। और कभी कोई मुल्क आके हमारे सर पे बैठ गया ना, उसके बाद पता चलेगा कि इंडियन होना क्या होता है। अभी समझ में नहीं आएगा आप लोगों, लेकिन लाइक कि कोई भी एक ऐसी कंट्री आके हमारे सर पे बैठ गई ना, अरे दुनिया घूमो सर, पूरी दुनिया में जाओ तो आदमी बोलता है मैं घूमता हूँ, तो जाते बोलते हैं आई एम अमेरिकन, आई एम चाइनीज, आई एम ब्राजीलियन, आई एम ऑस्ट्रेलियन, आई एम पाकिस्तानी। हम क्यों नहीं बोलते आई एम इंडियन यार? हमको किसी को पूछो तू कौन, मैं सरदार, तू कौन, मैं फलाना, तू कौन, मैं हिंदू, तू कौन, मैं बंगाली, तू कौन, मैं ये, अरे मेरे भाई बोलो हम इंडियन है, सब एक ही है, ये कब होगा यार? और अनुभव सिन्हा एक फिल्म से एक बात कहना चाहता है कि मेरे मुल्क में हो क्या रहा है एक्चुअली में, और ऐसे भी हिंदू है यार जो मुसलमान को अच्छा दिखा रहे हैं, और ऐसे भी नेता है जो ये जो शंभू जैसे लोगों को असली हिंदू मानते हैं, और जो लोग दंगे करते ऐसे हिंदुओं को, यार भाई ऐसे मुसलमान भी खराब है जो दंगे में आते हैं? बेगुनाह को मारने वाला मुसलमान हो ही नहीं सकता है, और बेगुनाह को मारने वाला असली सनातन धर्म का हिंदू हो भी नहीं सकता। मैं चैलेंज से कहता हूं, मेरे हिसाब से हम लोगों को गोल्ड मेडल लाने चाहिए, हम लोगों को आपस में मिलके ईद और दिवालियां मनानी चाहिए, हम लोगों को। अब ये वीडियो के नीचे भी लोग मुझे गालियां देंगे, तेरे वीडियो में देखता है कितनी गालियां देते हैं मुझे लोग, बोलते हैं इसका ही चैनल है, मेरा चैनल नहीं है बेटा, मीडिया मेरे पीछे घूमती है तुम्हारी दुआ से, ऊपर वाले का करम है मेरे पे। समझा कि नहीं समझा? मुझे गाली देने से कुछ नहीं होगा बेटा, देश के लिए कुछ कर।
ये गाली बॉर्डर पे जाके सामने वालों के ऊपर चढ़ के दे, मुझे देने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि मेरा दिल नरम, दिमाग गरम और बाकी सब मेरे अल्लाह का करम। समझा कि नहीं समझा कि दूं एक चमाण? चल तेरे से एक पूछ पूछता हूं, गांधी जी को किसने मारा? जवाब दे। गोडसे। गोडसे कौन था? हिंदू था। तो मुसलमान टेररिस्ट कैसे हुए? इंदिरा गांधी को किसने मारा? पंजाबी। पंजाबी ने मारा है? राजीव गांधी को किसने मारा? पंजाबी ने। तो भाई हमारे देश के किसी भी प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को या किसी भी टेरर को, कौन सा मुसलमान है भाई? तो ये थोड़ा सा गलत है भाई। नाथूराम गोडसे भी टेररिस्ट है हमारे हिसाब से तो। ये जो सरदार जी ने मारा, ये लोग जो सरदार जी थे जिन्होंने मारा, वो टेररिस्ट हो गए? ये नाथूराम गोडसे टेररिस्ट हो गया, तीसरा जो है वो भी टेररिस्ट हो गए? ऐसा नहीं है भाई। कोई भी एक मजहब को टारगेट नहीं किया जा सकता। अगर नाथूराम गोडसे ने कोई एक्ट किया है, इसका मतलब हिंदू टेररिस्ट है? नहीं, हिंदू टेररिस्ट नहीं है। सरदार ने इंदिरा गांधी को मारा तो सारे सरदार टेररिस्ट हो गए? नहीं मेरे भाई। कोई भी एक आदमी गलत काम करता है, इसका मतलब अगर मैं कुछ करता हूं तो आप मुझे गलत कहिए, ना कि मेरे मजहब को। मेरा मजहब बिल्कुल पाक है। 3.5 लाख वाला देश फिनलैंड फुटबॉल खेल रहा है, और 130 करोड़ की आबादी वाला देश इंडिया हिंदू मुसलमान खेल रहा है, और आप हिंदू मुसलमान पे पॉलिटिक्स भी हो रही है, पिक्चरें भी बन रही है। आपको जो करवाना है सोशल मीडिया पे हिंदू मुसलमान में करवा दो। आपको दंगा कराना है किसी मंदिर में जाके गाय को काट के फेंक दो। आपको दंगा कराना है मस्जिद में जाके सुअर काट के फेंक दो। यार ये हिंदू मुसलमान खेलना हिंदुस्तानी कब बंद करेंगे? नौकरी धंधे कब मांगेंगे? यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? यार मेरे भाइयों, मेरे यारों, मेरे प्यारों, किसी के बोलने से हम टेररिस्ट नहीं हो जाते, किसी के बोलने से हम गुंडे और मवाली नहीं हो जाते, किसी के बोलने से हमारा कोई कुछ नहीं हो पाता। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कोई तुम्हें बोलता है तुम टेररिस्ट हो तो बुरा मत मानो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम क्या हो। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, तो टेंशन नहीं लेने का। ये सब पालतू कुत्ते हैं जो भोगते रहते। असली सनातन धर्म के अपने हिंदू भाई लोग हैं, वो हमसे मोहब्बत करते हैं यार। ये सब किसी के भागते हैं यार, छोड़ो, माफ कर दो इन लोगों को। माफ करने वाला बड़ा होता है, इनको माफ करो। ये खाली देश में और सोशल मीडिया पे गंद फैला रहे हैं। और सच कहूं तो जो भी लोग सोशल मीडिया पे गाली गलौज कर रहा है ना, देख लो उसकी आईडी फेक होगी। ये बीजेपी का आईटी सेल है। आईटी सेल एक बहुत बड़ी चीज होती है, ये वो लोग हैं। उनकी असली प्रोफाइल से किसी की हिम्मत है? सब फेक आईडी, सब फेक प्रोफाइल, इनसे जो करवाना है करवा लो। और आपके नए लुक के बारे में अगर बात करें तो आप मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, जैसे हमने आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देखा, वो क्या है भाई? अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ती है, कभी क्या पता चार पांच भक्त आ जाए तो। ऐसे कभी हुआ है भाई, अगर शेयर करना चाहोगे कुछ मोमेंट? मेरा बहुत हुआ भाई। मैं ना क्या है भाई, ना हाथ ज्यादा चलता है, बोलते ना भाई, अल्लाह ना करे कभी भी कहीं भी कोई भी 24/7 अपनी हिफाजत खुद करो भाई, क्योंकि यू नेवर नो कब क्या हो जाएगा। ये ट्रेनिंग में कर रहा हूँ भाई। मेरी फिल्म शुरू होने वाली है लकीर का फकीर पार्ट 2, तो उस फिल्म की ट्रेनिंग चल रही है, और उसमें जो हीरो है वो पहले लकीर का फकीर पार्ट 1 में वो चरसी रहता है, चरस पीता है और ये करता है वो करता है। अभी पार्ट 2 में ये जो है ये हेल्थ फ्रीक आदमी है, ये मैसेज देना चाहता है कि देश में भाई एमडी मत करो, चरस मत पियो, नशे मत करो, अपने आप से प्यार करो मेरे भाई, जान बनाओ जान, जान है तो जहान है, जान बनाओगे तो काम में आएगी। वरना भाई अब ये एमडी ये सब भी दुश्मनों ने डाला हुआ है लोगों के लिए कि भाई
यंग जनरेशन जो हमारी है वो यारी यंग जनरेशन पूरी नशे में घुस गई है, तो इनको इंस्पायर करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता भाई, मैं भी ये गंगा में डुबकी मार चुका हूँ, लेकिन बाहर निकला ना पता चला कि जिंदगी भाई एक नंबर है। जान वान बनाओ, खाओ पियो, मज़े करो। अपने माँ बाप ने अपना खून पानी कर दिया अपने लिए यार, खिला पिला के अपना सेक्रीफाइस करके, इसलिए कि वो अपने को देखेंगे अपन एमडी करे, नशे करे, चरस पिए, सिगरेट पिए, काय को भाई फेफड़े जला रहे हो, काय को ये सब कर रहे हो, इसमें कुछ नहीं रखा है। जान बनाओ, अच्छा खाओ पियो, 500 रुपए का सिगरेट का पैकेट पी दो, इससे अच्छा 500 रुपए की तंदूरी खाओ, गुटखा खा रहे हो ये खा रहे हो, इससे अच्छा कुछ अच्छी चीज़ खाओ, लस्सी पियो। तो मेरे यारो, और हाँ मेरे जलने वालों, मेरे प्यारो, तुमसे भी ज़्यादा मोहब्बत है मुझे यार, कसम खुदा की, तुम नहीं होते तो मेरे प्यार करने वाले भी नहीं होते। तो लकीर का फकीर पार्ट टू आ रही है। अच्छा भाई, लकीर का फकीर पार्ट टू आ रही, तो उसको डायरेक्ट कौन, जुबैर खान ही करेगा ना भाई। अच्छा। देखो जुबैर खान अपना भाई है, और जैसे अभी मैंने देखो, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, माफ करने वाला बड़ा होता है। उसकी अम्मी का भी इंतकाल हुआ है, और ही इज अ चेंज पर्सन, जुबैर खान एक चेंज आदमी हो चुका है, 5 वक्त का नमाजी हो गया है। और डायरेक्टर तो वो अच्छा ही था यार, लकीर का फकीर भी उसने बहुत अच्छी बनाई थी, लिखता भी बहुत अच्छा है। कहते ना भाई, हर इंसान का एक वक्त आता है, और वो सही वक्त यही है कि अभी एजाज खान और जुबैर खान वापस कोलोब्रेशन करके, मैं खुद ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ फिल्म को, और बहुत अच्छी फिल्म है। उसका बैकग्राउंड हमने अहमदाबाद में कर दिया, पूरी शूट अहमदाबाद में हो रही है, क्योंकि बॉम्बे बहुत एक्सपोज हो चुका है यार। अभी अहमदाबाद दिखाएंगे, मोदी जी का देश नहीं, मोदी जी का शहर, अपना भी शहर है, मोदी जी का शहर है, अहमद शाह बादशाह की नगरी है वो, जिन्होंने वजू के बिना आसमान नहीं देखा। और लोग कहते हैं कि हम हिंदुस्तान छोड़ दे यार, क्या मजाक है यार, चारों दरवाजे, अरे भाई हम सब एक लोग हैं यार भाई, यार भाई जब हम चले जाएंगे तो शाहरुख खान चला जाएगा, सलमान खान चला जाएगा, आमिर खान चला जाएगा, क्या करोगे तुम लोग फिर, फिर किसकी पिक्चरें देखोगे? लव यू यारो, दुआओं में याद रखना, और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। भाई लास्टली, अगर कोई डायलॉग सुनने मिले पार्ट टू में से, अगर कुछ आ रहा है तो लोग और इंटरेस्ट। लकीर का फकीर पार्ट टू का सबसे बड़ा डायलॉग ये है कि मैं मजबूर हूं पर टेररिस्ट नहीं हूं, और हर बिल में हाथ नहीं डालने का, सब में चूहा नहीं होता है, किसी किसी में सांप भी होता है, काटेगा। अल्लाह हाफिज़।